कृपा कर अब दियो उपदेश, जिस ते मन होए शांत अवेश। महाराज कोई एहो जा उपदेश दियो जिदे नाल साडे मन नूं शांति होवे। गज के आखो सत साडे च कोई कमी रह गई, गुरु अमरदास जी दे बचन मनन विच कोई कमी रह गई, सिखी लई पर शांति नहीं। महाराज आप जी कृपा करो, कृपा करो अब दे उपदेश, जिस ते मन होए शांत विशेष। मार्ग दियो महाराज किथे कमी है, सानू ये विशेष जड़ी शांति है ना वो मिले। महाराज ने की उना दे झाती पाई, किथे फाल्ट सी, की सड़क दिती, बस वो सात आठ मिनट में आप जी दे चरणा च एक बारी सारे कृपा करियो जी। सो सतगुर धन धन जिन परम गढ़ परम गढ़ सो सतगुर वाहो वाहो जिन हर से जोड़िया। सो सतगुर वाहो जिन हर से जोड़िया। वाह सो सतगुर धन धन सो सतगुर धन जिन परम गढ़ परम गढ़ सो सतगुर वागो वागो। सतगुर वाहो वाहो जिन हर सियो जोड़िया, जिन परम गढ़ तोड़िया, जिन परम गढ़ तोड़िया। श्री अर्जन सुन बाग बखाना, कृपा करो अब दियो उपदेश, जिस ते मन होए शांत विशेष। हुण साडे बाबा जी बोलन लगे, झाती पाई इन्हां च किथे कमी है, की आखिया जी। श्री अर्जन सुन बाक बखाना, बाक मुख चो बाक बोले बचन। श्री अर्जन सुन बाग बखाना, राज तम गुण जे त्याग नैनाना। वो ध्यान देना है, राज तम गुण जे त्याग नैनाना। रजो गुण ते तमो गुण, राज तम गुण जे त्याग नैनाना। थोड़ा ध्यान ना सुनना पड़ेगा, असि वैसे बाणी पंक्तियां आदि हैं, कई कोट राजस तामस सात। राजसी गुण, तामसी गुण ते सातकी गुण, ये तीन होंदे ने, बाबा जी ने वेरवे दिते ने, कई कोट राजस तामस सात। राजसी गुण, तामसी गुण ते शांतकी गुण। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जद तक रजो गुण तमो गुण राजसी ते तामसी ए दोवें गुण इन्हां नूं जिंदगी चों कढ़ीए ना ते शांति नहीं मिलदी। बहुत ध्यान, श्री अर्जन सुन बाक बखाना,
रज तम गुण जे त्याग नै नाना जब तक रजो गुण तमो गुण राजसी तामसी इन्हां नूं त्याग दे नहीं शांति नहीं मिली। हृदय शांत की गुण ने धारो तो लग शांत ना भले विचारो जब तक इन्हां दोवां दा त्याग ना होवे हिरदे च शांत की गुण ना वसाईए ते तद तक शांति नहीं आती। हुण बड़ा मजेदार प्रकरण है वो 18 सूरमे को पता की कहते हैं सुन सिखण गुर बूजन करे 18 सिखा ने सूरमिया ने सुन के पता की आख्या जो असी चाहने ना जो तुसी ओही आख्या सुन सिखण गुर बूजन करे गुणन परीख्या हम किम धरे। वो सारे 18 सिख कहंदे महाराज असी किवें पछाणीए केड़ा राजसी गुण है केड़ा तामसी केड़ा शांत की आखो साधना सानू किवें प्रीख्या होवे इहदी केड़ा राजसी है केड़ा तामसी केड़ा शांत की। बड़े ध्यान नाल इहनू सुणियो फिर महाराज ने वेरवे दित्ते वो सारे 18 सूरमे कहंदे है सुन सिखण गुर बूजन करे सुन के ना गुरु नूं पुछिया गुणन परीख्या हम किम धरे असी किवें गुणा की परीख्या करी किहड़ा राजसी किहड़ा तामसी किहड़ा सादकी। श्री मुख ते कह सुन दे मन हे महाराज कहिंदे फिर मन करके सुनो श्री मुख ते कह सुन दे मन हे हिंसा क्रोध तामसी गुण है हिंसा ते क्रोध ए तामसी गुण है। मैं एक दो पंक्तियां बोलांगा फिर तिन्ने कट्ठे बोल देंगे राजसी तामसी सादकी सौखी भाषा में। श्री मुख ते कह सुन दे मन है हिंसा क्रोध तामसी गुण है कहे ओ लोबर दे अभिमान एही राजसी गुणन पछाण मिठा बोलन अर निव चाले एही शांत की है सुख वाले। ये मोटा मोटा इशारा बोलिया जी क्योंकि पंक्तियां 25-30 ने लाइना जड़ी है। ये गुरु अर्जन देव जी ने उन्हां 18 सूरमिया नू राजसी तामसी सातकी शांतकी इन्हां दा वेरवा दिता है। उन्हूं दास केवल लाइना च बोल रहा के समा बजे मैनू भी बड़ा कुछ मिलिया तुसी जरूर हिरदे की डायरी ते नोट करो या बाद च सीडी च सुन लो। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं रात का बया खाना खा लेना सुनियो जरा पंक्तियां ने मैं टाइम बचाया रात का बया खाना सवेरे खाना ये तामसी गुण है आखो सतनाम तामसी। दूजा आख्या खट्टे पदार्थ बहुत खाने ये तुहाडे अंदर तामसी औगुण पैदा कर वो तामसी चीजा पैदा दोवें चीजा लिखी है खट्टे ते चटपटे बहुत पदार्थ एहो जे खाने इन्हां नाल तामसी जी अंदरली वधदी रात दा बया खाना खाना इहदे नाल तामसी ओ चीजां अंदर वधदी जिहड़ा पढ़ दिओ कई कोट राजस तामस बड़ी डूंगी विचार है हिरदे च वसायो रात दा बया खाना खाना खट्टे ते चटपटे पदार्थ खाने ये थोड़े अंदर तामसी की ज्यादा पैदा कर दे। तीजा आख्या बहुत मिर्च मसाले वालिया वस्तुआं खानिया ये थोड़े अंदर तामसी ओगनी कह लो गुरु नूं नहीं चंगा लगता
जिहदे नाल साडे अंदरली जिहड़ी सहज है शांति वो टिकाओ नहीं आंदा। चौथा लेह है बहुता सोहना, यह भी तामसी गुण है, इन्हों सौखे करके मैं बोल रहा, पंक्तियां नहीं बोल रहा। बहुता ज्यादा सोहना यह भी तामसी, समझ लो सी वो गुण नूं अंदर जगह दे जिहड़ा शांति नहीं लैण दिंदा। पंजवा लिखे है झूठ बोलना, झूठ बोलना अरदास करिया करो जिथों तक बचा हो सके बचना, बचा हो जाए एक बीबी ने मैनू कहा सी, कहती मैं एक झूठ बोल लवा तो एक जपजी साहब वध कर लैनी, एहो जे भी एक झूठ हुंदा उहदे नाल किसे दे पड़दे कजे जा रहे है, कुछ होर हो रहा है। उतरा ही झूठ बोली जाने यतन करो, ये लानत निकल जाए जिंदगी चों। और वो सब तो भैड़ा दिन होंदा जिस दिन बंदा अपने मुरशद नाल झूठ बोले, अपने गुरु नाल, अपने उस्ताद नाल, अपने मुरशद नाल गज के आखो ये तामसी औगण कह लो, ये अंदर फिर शांति नहीं आती। पंजवा ये आख्या, छेवां गुरु अर्जन देव जी ने कहा निंदिया करनी, यह भी तामसी औगुण है, निंदिया करनी। सतवां आख्या माड़ी संगत करनी, गज के आखो सब, यह सब तामसी चीजें ने। मैं दोबारा बोल देना, कई लिख रही हैं भैणा, कई सीडी रही सुन लियो, कई किवें भी रात का बया खान, खट्टे ते चटपटे भोजन, बहुत मिर्च मसालिया दी चीजां वरतनियां लाई, इत्थे सेवा पंथी महापुरश ने बठिंडे कोल, बड़ी उन्हां दे जिंदगी शांति। ते मैं उन्हां पुछिया सी, मैं कहा जी उन्हां नूं ते नहीं पुछिया, उन्हां दे सेवादारां नूं, उन्हां दस्सिया बई सादी जी खिचड़ी बस खांदे ने दो तीन वारी दिहाड़ी च। फिर मैं अंदाजा लाया बई जिहड़ियां चीजां अंदर तामसी चीजां पैदा कर दियां ये महापुरशां ने त्याग ही दित्तियां, आखो सतनाम छड्ड ही दित्ती, तो बहुत आप घटाई लई है ये। फिर उन्हां गुरु अर्जन देव जी आखे रात दा बया खट्टे चटपटे बहुत मिर्च मसाले वालियां चीजां, बहुता सोना झूठ बोलना, निंदिया करनी ते माड़ी संगत करनी माड़ी। ये सारे गुरु अर्जन देव जी कहते जी तमो गुण ने, तामसी गुण जिहड़ा पढ़ते हो कई कोट राजस तम सत आतामस तामसी गुण ने, आ चीजा नाल आउंदे ने, ये निशानियां चरणां च रखियां। हुण राजसी अपनी वड्याई चाहनी, गुरु अर्जन देव दे बचन जे मेरा दिल करता सी लाइना बोलना सारियां पर कम लंबा बड़ा हो जाए। अपनी वड्याई सुन के खुश होना या अपनी ही वड्याई चाहनी होवे ये भी राजसी औगणी कह लो, आखो सतनाम। ये निशानियां दसियां श्री गुरु प्रताप सूरी ने, जिन हर पायो तेने छिपायो, गज के आखो साथ। बोल लैन देना अपनी वड्याई चाहनी, अपनियां वड्याइयां सुन के खुश होना, हर काम च वेखना मेरी वड्याई हो रही कि नहीं, राजसी गुण।
अपनी वड्याई पिछे कई कुछ ला देना दात। मैं गुरु की हजूरी च कहना संगत जी एक नाम नाल जुड़ जाओ, एक नाम नाल जुड़ जाओ। सच कहिंदा जे बाकी कोई सियाणपां काम आउंदियां ही नहीं, बाकी एक जुड़ जाओ नाम नाल दुश्मनां नूं भी टाल देगा। आखो सतनाम, प्रभु कह सिमरन दुश्मन तरे, प्रभु कह सिमरन काल पर हरे, परे हट जाऊ काल भी। उधर वधाओ काम, कोई प्रोग्राम रखो, कोई कार्य करो। मेरा है ना तोलीए, आ तोलीए किन्ना क नाम नाल, किन्ना क बाणी दा पहरा। मेरे को राती एक सज्जन ने प्रोग्राम मंगया जी असीं कीर्तन दरबार कराने, सानू वारी दिओ। साडा जी 18वां साल है कीर्तन दरबार। मैं माड़ा पुछ लिया, मैं कहा भी तुसी मेरे को प्रोग्राम बुक करा रहे हो। मैं कहा मैं गुस्सा तो नहीं करोगे, तुसी 18वां कीर्तन दरबार करा रहे हो। मैं कहा तुहाडा अपना किन्ना नेम है? कहिंदे एक जपजी साहब कर ही लई। उन्हें कीर्तन दरबारा ना खुश नहीं होना, उन्हें कीर्तन दरबार भी कराओ। और वो ये चाहता भी कीर्तन दरबारा विच्चों नाल नाल तेरा अपना नितनेम बने, अपना जीवन बने। आखो सतनाम, केवल अपनी वड्याई लिए काम कर रहे, राजसी गुण ने। हुण बोल लैण देना, फील ना कोई करे। गुरु अर्जन देव जी के बचन ने अपनी वड्याई चाहनी हर वेले, पड़कीले बस्तर पाने। हाय हाय, राशि मैं हो जे बस्तर पावां भी बस एक विशेष नजर आवां, बखरा ही। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी दे बचन याद आ जाए, कहिंदे जिन्ने भड़कीला लिबास पाया उहदे लिबास नूं वेख के जे किसे दे अंदर विकार पैदा हो गए है, लेखा लिबास पाउण वाले नूं भी देना पैंदा। विकार भावें दूजे अंदर पैदा होए, किसी का भड़कीला लिबास वेख के जे दूजे दे अंदर विकार पैदा हो गए हैं, लेखा उहदा भी बणू जिन्हें लिबास पा के वह विकारां नूं जन्म दिता पैदा कर। गज के कह दिओ सत। अच्छा वेखो जी, ये सानू कवि भाई संतोख सिंह जी ने गुरु अर्जन देव जी का वह समा श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ में ना ये राइटर ने ये अर्थ भी किए हैं। उन्होंने लिखा भी उन्होंने निशानियां दसियां, निशानियां संगत सुन गईयां, सोचण गईयां भी आ मेरे च तामसी औगुण आ गए, ज्यादा राजसी आ गए। अपनी वड्याई चाहनी यह राजसी, पड़कीले बस्तर पाने ये भी राजसी। हुण बोल लैन देना, मास खाना यह भी राजसी औगुण। आखो सब जरा कहते ना कई कोट राजस तामस सांतक, ये भी राजसी औगुण। मास खाना, पड़कीले बस्तर पहनने, अपनी वड्याई चाहनी, बस और नाम नाल वास्ता ही नहीं। मैं कहना हर काम करन तो पहला सच कहना, रज के तोलिया करो। ये नाम किन्ना क जपया जाए, ये बंदगी किन्नी। दास ते जथियां नूं यही बेनती करदा कि ते चले हो ना तीन दिन लई, वह टिकटां खर्चियां संगत ने, घर भी त्याग गया, बच्चे भी पत्नी भी, राज किते ए बैन ला लो तीन दिन तक वापस आने तक। जिहड़ी कीर्तन की सेवा वाहिगुरु ने लैनी उह लवे, जिहड़ा तीन चार घंटे का नेम रूटीन च करांदा उह करावे। नाल असी सारे जथे ने वापसी तक 250 पाठ जपजी साहब हाजरी लाउणी। वेखो गुरु किवें झोलियां पा, किवें खुशियां, हर चीज विच नाम सिमरन बाणी भगती। इहनूं रज रज के लियाओ, आ भोजन रज रज के खाओ। ते हुण शांत की गुण
जेडे गुरु अर्जन देव कहते वो 18 सुरमिया नु भी वो तुहाडे अंदर है री शांति कथों मिले बाबा जी ने वेरवे दिते हुण वो सुन लो माड़े जे वो कुदरती साडी लाटरी निकलाई है वो पहला भजन गुरु अर्जन देव जी ने लिखे उज्जल उज्जल चिट्टे बस्तर पाने आपको मैं कई सानू किंतु कर दे कई सानू कह देंदे तू चिट्टी पग क्यों पाउंदे चिट्टे बस्तर क्यों पाउंदे जसविंदर सिंह फिर जवाब दे देंदा भी बाबा नंद सिंह जी कहंदे सी असीं चिट्टे तां पाने आ गुरु नानक चिट्टे पा ले जिहड़े रंग च रंगना ही रंग लै ते असीं चिट्टे पा के आ गए तू जिहड़े रंग च रंगना रंग सुचे बस्तर पाने उज्जल चिट्टे उज्जल बस्तर पाने चिट्टे बखरे कर लो उज्जल बखरे कर लो ए शांत की गुंद है इशनान दे नेमी होना गुरु अर्जन देव जी बचे इशनान दा नेमी होना ए भी शांत की गुंद है सादा ते स्वच्छ भोजन छकना जे मैं पंक्तियां बोलदा ते विच चावलां दा भी ना आया जी हाको साथ में ये भी दाल दा भी आया जी इनू शांत की पदार्थ कहना सादा ते स्वच्छ पोषण ए शांत की गुण ने अगां चौथा लिखिया गुरु अर्जन देव जी ने थोड़ा सोना पंजवां लिखिया थोड़ा खाना गज के आखो साथ जेड़ा मैं उज्जल लफ्ज बोले इन छोटा ना लेना जेड़ा उज्जल बस्तर मेरी बेनती है बड़ी बड़ी है बहुत जरूरी जे बस्तर बड़े सोच के पाया करो कई बारी रात दे जूठे बस्तर ओ दिने ना पाया करो बड़ी वड्डी भगती च रुकावट मेरा इशारा तुसीं समझ लैणा गृहस्थी दे कारण करके महाराज कहिंदे सवेरे सारा पैरा तेरा उज्जल होवे आखो सत सुचमता मंगी महाराज ने जूठे गंदे बस्तर विच हाथ उधर विच गल नूं समझो ये महाराज दे इशारे ने सुचमता मंगदे ने ये वड्डी चीज है जड़ियां रूहां पुग गई हैं उन्हां नूं ते मैं ये नहीं कह सकता उन्हां दे ते रात दे बस्तर भी अमृत ही ने वो अमृत ही ने वो इन्हां चीजां तों परे टप गए पर असीं चलो बहुते गृहस्थी बैठे इस करके जेड़ा सवेरे उठदे हो ते अपनी रात दी चादर तह लानी है रात दे सराणे जिथे भी रखने है साइड ते खाने च किधरे भी रात दे बिस्तरे जेड़े भी ओ नहाण तो पहले ही समेट लेने नहाण तो बाद जे उन्हां सुचे कपड़िया नाल फिर उन्हां नूं अपने बस्तरां नाल लावांगे ते ओ गुरु अर्जन देव जी नूं नहीं पाउंदा वे जेड़े आसन ते तू भगती करनी है ते फिर उस कपड़िया मैलिया दे दूजिया दे लग के आ जावे मेरे कोल कोशिश कर इंज उज्जल हो के आखो सतनाम इशारा लैना बड़ी वड्डी गल है इन्हां दा माध्यम है सोच होवे सानू बाबा जी ने वहम च भी नहीं पाया पर जिथों तक सुचमता की प्रेरणा भी है सोच होवे तां सच पाई और तुसी महापुरुषां दे बचन सुणदे हो सफाई सच्चाई ते खुदाई ये तिन्नां दा मेल है जिस घर विच नरक पिया होएगा गंदगी पई होएगी कोई सफाई है ही नहीं सुचमता है ही नहीं बुरे हाल रसोई च बिचे ही जूठे गिलास रखे आ उसे जूठे गिलासा नाल ही दुध च मलाई कढ़न लग पए आ उसे दा फिर कई वारी घ्यो बनना ओह घ्यो जो च पैणा जा गल निकी नहीं होंदी तू लैणा सुचमता उजलता ये शांत की गुण ने आखो सतनाम हुण मैं खीर ते कठी पंगती बोल देना ये गुरु अर्जन देव जी ने सारा दे के ना वेरवा राजसी आज तामसी आज शांत की आज तुहाडी कित्थे कमी है तुसी राजसी ते तामसी नूं त्यागिया नहीं शांत की गुणा नूं धारण नहीं कीता इहदे करके
गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी उन्हां दी दित्ती दात फिर प्रफुल्लत नहीं हो रही। इस प्रकार जिन सेव कमाई खीरलियां पंक्त लाइना सूरज प्रकाश दियां, इस प्रकार जिन सेव कमाई गुरु अर्जन देव जी कहंदे राजसी ते तामसी दा त्याग करके शांति गुण धारण करके जिन्हें इंज सेवा कमाई, इस प्रकार जिन सेव कमाई सो निस्तरे गुर शरणाई। महाराज कहंदे ओ साडा वादा है गुरु दी शरण दे आए सदका ओ तरेगा ही तरेगा, ओदे ते कृपा होएगी होएगी। आओ ये पंक्तियां कोई वांझा ना रहे प्यार दे नाल सारे पढ़ियो जी। अंदरों एक बारी कह दियो गुरु अर्जन देव जी तुसी कौन हो। सो सतगुर धन धन जिन परम गढ़ तोड़िया, परम गढ़ तोड़िया। सो सतगुर सतगुरु वाह।